मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक मेरा पुराना लैपटॉप टूटा फूटा, जिसका रिंजिस पूरा डैमेज हो गया और मैं इसका रिंजिस ढूंढ भी रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको अगर मैं यानी स्टिक कर रहा हूँ या स्प्लाइजिंग कर रहा हूँ या कुछ भी, तो ये ऑटोमेटिकली टूट जा रहा है थोड़े टाइम में। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इसे एक ऑल इन वन बनाऊँ। सो मैं इसी बॉडी में इसे ऑल इन वन बनाऊंगा। और जैसे कि आप YouTube पे कई वीडियोस देखे होंगे कि इसको अलग बॉडी में सेपरेट यानी इंस्टॉल कर एक ऑल इन वन बनाया गया, बट मैं इसी बॉडी में इसको ऑल इन वन बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे बनेगा। ये ज्यादातर हर लैपटॉप में सुटेबल है कि आप सभी लैपटॉप में ऑल इन वन बना सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम होगा। बस सिर्फ आपको थोड़ी चीजों का ध्यान रखना होगा जिसके थ्रू आप फिर इसे एक उसी ही चीज में आप इसे ऑल इन वन बना सकते हैं और कुछ चीजों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसे पूरा खोल लेना है और इसे खोल लेना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने यानी टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सारे स्क्रूज निकाल दिए हैं और ये जो है वो हार्ड डिस्क सेक्शन है और आपका रैम सेक्शन है। तो जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ, फ्रेंड नीचे कीबोर्ड और माउस का वायर होगा वो हमें निकालना होगा और ये डिस्प्ले का केबल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले का केबल है तो मैंने यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसे हम साइड रख देते हैं और ये डिस्प्ले का केबल है, इसे भी हम अलग कर लेते हैं। ये हार्ड ड्राइव है, तो इसे हम साइड रखते हैं और एलसीडी को ओपन करते हैं। फ्रेंड मैंने टाइम बचाने के लिए इस वायर को मैंने निकाल दिया है जो यहाँ पर लगता है, ठीक है। ये है एंटीना जो आपके वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए जाता है, ठीक है। तो इसे हम साइड रखते हैं ताकि इसे आगे फिर ये करते हैं ऐड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि हमें ये स्क्रूज खोल के एलसीडी को थोड़ा साइड रखना है, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे तो उस समय एलसीडी को कुछ लगना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पूरा डैमेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। आप देख रहेंगे कि यहाँ पर एक स्क्रू नॉच है, यहाँ पर स्क्रू नॉच है, यहाँ पर स्क्रू नॉच है, यहाँ पर है, तो हमें सिर्फ उसे मैच करना है और बैक साइड में सेम वहाँ पर ड्रिल करना है यानी स्क्रू करना है। सो ये स्क्रू हो गया है। और उन स्क्रूज के खांचों को हमें मैच कर लेना है। एलसीडी लगे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बस खाली हमें केयरफुली करना होगा ताकि स्क्रूज जो है वो ये ना कर, डैमेज ना कर, ठीक है। तो हमने मैच कर लिया है। सो अभी हमें करना है जो हमने एंटीना के लिए वायर्स निकाले थे उसे हम ये बोर्ड के यहाँ पर अंदर ही उसे ये कर देंगे, फिक्स कर देंगे।
तो ये केबल हम साइड कर लेते हैं और ये एंटीना वायर ले लेते हैं। तो फ्रेंड मेरे से गलती हो गई कि जब मैं इसे निकाल रहा था तो जो एंटीना का जो क्लिप नॉच है वो मेरे से यहाँ से टूट गया, सो मैं यहाँ पर इसे सोल्डरिंग कर दूंगा ताकि ये आगे बराबर हो सके। तो ये पहला वाला तो हम लगा लेते हैं जो है आपका ए, यहाँ से नीचे से लेते हुए साइड से लेते हुए सभी एंटीना वायर को आप अगर आप देखेंगे तो आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा लैपटॉप होगा उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे यहाँ स्पेस मिला, दैट इज व्हाई मैं उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर स्पेस कहीं यहाँ होता तो मैं इसे यहाँ पर ट्रांसफर करता, या फिर यहाँ होता तो मैं इधर पर ही फोल्ड करके पूरी तरीके से रख देता। वैसे यहाँ पर भी हम इसे पूरा फोल्ड करके रख सकते हैं, बट कैसा है कि अभी वायर बड़ा है तो यहाँ पर स्पेस भी है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अभी दूसरा वायर करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने निकालते समय यहाँ पर तोड़ दिया है, तो मैं इसे सोल्डरिंग करूँगा और फिर मैं आगे इसे बढ़ाऊंगा। सो फ्रेंड्स हमने इसे सोल्डरिंग कर दिया, तो सेम प्रोसेस है यहाँ से हम वायर यहाँ पर। सो फ्रेंड्स इसमें अभी हम डबल टेप लगाएंगे जिससे ये जगह पे चिपका रहे और आउट ना हो। इसको हमने कर लिया और एक कीबोर्ड को हम लगा देते हैं। ये तो हमारा काम हो गया इधर पे, और बचा आपका एलसीडी का। सो यहाँ पर देख लेंगे हम कि एलसीडी का वायर कितने इधर पर जाकर और कितना लेंथ हो रहा है, उस हिसाब से मैं यहाँ कट करा, क्योंकि वो यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो यहाँ से आएगा, तो उसे यहाँ से आउट कर लेंगे। तो इतना जगह हम एक सोल्डर मशीन के थ्रू अंदर कर देंगे। आपके पास सोल्डर मशीन नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोल्डर मशीन ही चाहिए आपको, स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देना और ये आपका यहाँ पर हो गया। सो स्क्रीन को कुछ ना हो तो उसके वजह से इसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉटन या कुछ भी आप रख सकते हैं जिससे स्क्रीन के ऊपर प्रेशर ना है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, हमें Q
क्योंकि इसके कीबोर्ड्स में पावर की और इसे में पावर की हमें एक एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। सो हम एक एक्सटर्नल पावर की के लिए एक वायरिंग करते हैं ताकि क्या हमें वो आसानी होगा ऑन ऑफ के लिए।